8 साल की बच्ची के लिए नरेंद्र हेते किसी फरिश्ते से कम नहीं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर में आम बेच रहे एक बच्चे की मदद करने के लिए नरेंद्र हेते ने उसे महज 12 आम 1,20,000 रुपए में खरीदे हैं। इन पैसों से बच्ची ने पढ़ाई करने के लिए एक फोन खरीदा जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। बच्ची ने बताया कि कोरोना के दौरान उसका स्कूल बंद हो गया और अब केवल ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही, लेकिन उसके पास फोन ना होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस स्टोरी को देखने के बाद वैल्यूएबल एडवर्टाइजमेंट कंपनी के वाइस चेयरमैन नरेंद्र हेते ने तुलसी कुमारी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। कंपनी के डायरेक्टर और उनके बेटे अमेया हेते ने तुलसी की मदद की। अमेया हेते ने तुलसी से 12 आम खरीदे और एक का आम की कीमत 10,000 रुपए लगाई। इसके हिसाब से उन्होंने तुलसी को 1,50,000 रुपए का भुगतान किया। तुलसी को एक मोबाइल फोन और 2 साल का इंटरनेट भी मुहैया करवाया गया जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके और उसे कोई भी परेशानी ना आए। इस दौरान नरेंद्र हेते और उनके पुत्र अमेया ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब तुलसी अपनी पढ़ाई पूरे दिल से फिर से शुरू कर सकेगी। इस मदद के बाद तुलसी के पिता श्रीमाल कुमार ने कहा कि नरेंद्र इस खराब समय में उनके लिए भगवान का रूप बनकर सामने आए और अब उनकी बेटी आगे पढ़ सकेगी। तुलसी की मां पद्मनी देवी ने इस मौके पर नरेंद्र हेते का शुक्रिया अदा किया। वहीं तुलसी अब इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी आगे की पढ़ाई कर सकेगी। उसने कहा कि अब उसे आम नहीं बेचने होंगे, साथ ही उसने कहा कि उसके आम इतने मीठे होंगे कि उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये उसे कहाँ पता था। तो वाकई इस संकट की घड़ी में नरेंद्र हेते एक फरिश्ता के तौर पर तुलसी के लिए सामने आए और तुलसी का ये जोश, तुलसी का ये जुनून देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और यही वजह है कि नरेंद्र हेते और उनकी बेटी सामने आकर उनकी मदद की। और इतना ही नहीं, साल भर के लिए इंटरनेट के पैसे भी उनकी तरफ से ही दिए जाएंगे। तो वाकई फिलहाल अगर सोशल मीडिया पर इस पूरी खबर की बात करें तो तुलसी की वाहवाही तो की ही जा रही है, साथ ही साथ नरेंद्र हेते को फरिश्ता बताया जा रहा है। तुलसी के आगे उज्जवल भविष्य की हम भी कामना करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।